छेड़छाड़ का मुकदमा वापस लेने आरोपी दे रहे हैं धमकी। पीड़िता ने एसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत। शिवपुरी जिले के खनिया थाना क्षेत्र के निवासी एक महिला और उसके पति को छेड़छाड़ का केस वापस लेने आरोपियों और उनके परिजनों द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस मामले में शिकायत के बाद भी बमौर कला थाना पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसे परेशान महिला ने अपने पति के साथ मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार खनिया थाना क्षेत्र के बुकर्रा गांव के निवासी 31 वर्षीय महिला अपने पति के साथ बमौर कला थाना क्षेत्र के बहर्रा गांव में खेतिहर मजदूर का काम करती है। 11 अक्टूबर 2023 की रात करीब 9 बजे जब उसका पति घर पर नहीं था, उसी समय गांव के ही दो युवक सुरेंद्र शर्मा व राघवेंद्र शर्मा महिला के खेत पर बनी टपरिया में घुस गए और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग आ गए, जिससे आरोपी महिला को छोड़कर भाग गए। महिला ने बताया कि उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया था। अब छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा के लिए आरोपी और उसके परिजन उसको धमका रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर पुलिस से मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई है। कौन से गांव के आप? बुकर्रा। कौन से थाने में आता है ये? बामर कला में खेती करते हैं बहर्रा। अच्छा, बामर थाने में हमने रिपोर्ट की। हमारा थाना खनिहा लगता है, बामर में बामर थाना लगता है। किसके यहाँ खेती कर रहे थे आप? बहर्रा वार सरपंच के। तो फिर कब की घटना, क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं घर नहीं था सर, तो फिर लोग आए मेरे घर में रात के 8-9 बजे और मेरे घर वाले के हाथ मत पकड़ के उन्होंने पटक पटक दी। और कब की घटना है? 1-1.5 महीना हुआ सर। अब क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है सर, शिवराज सिंह को फोन आ रहा है मायाप्रभा थाने जा साहब ने कहते हैं वाला है और लेके अब दारू पी के हमको गाड़ी देवे आ रहा है, की धमकी दे रहा है, राजीनामा कर लो, मार के फेंक दे सर। अच्छा, केस में राजीनामा करने के लिए धमका रहे हैं आपको? कितने लोगों ने की थी छेड़छाड़? दो जने हैं। अच्छा, अब उनके परिवार वाले दबाव बना रहे हैं कि केस में राजीनामा कर लो। तो आज ये कहाँ आए हो आप शिकायत करने? एसपी ऑफिस पे। ठीक।